हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने पढ़ा अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और मैंने कहा कि नॉन आइडियल यानी अनादर्श विलयन जो होता है उसे हम परिभाषित करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वे विलयन जो समस्त ताप और सांद्रता के मानों पर और राहुल के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और अब हमारा टॉपिक है अनादर्श विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना। नॉन आइडियल विच शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो और नेगेटिव वाला वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहां नेगेटिव वाला आएगा यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, वो दो नंबर आएगा, वो तो बाद में, पहले ये पढ़ते हैं। और इसमें एक ग्राफ भी आता है, और वो ग्राफ हमारे एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो धनात्मक वाले पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आप एक सामान्य सी बात जानते हो कि किसी विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, और दोनों को जब मिला देते हैं तब क्या बनता है, विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, और फिर सॉल्यूशन बनता है। तो याद रखना, आप जो विलायक ले रहे हो, और प्रकृति में यूं कहा जाता है सबसे अच्छा विलायक है वो जल है, सबसे अच्छा विलायक किसे माना गया, जल, क्योंकि इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सबसे ज्यादा 80 होता है, जो किसी और विलायक का नहीं होता है। तो फिर ये हर पदार्थ को अपने अंदर लगभग घोलने की क्षमता रखता है, मैं लगभग कह रहा हूं 99% ही, एक प्रकार से 100% तो सारे पदार्थ इसमें नहीं घुलते हैं, 99% घुल जाते हैं, 99% किसी और विलायक में नहीं घुलते हैं, क्योंकि जल में ही घुलते हैं। और जल का रीजन क्या है कि इसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी पैरा वैद्युतांक का मान सर्वाधिक होता है सारे विलायकों में, इसलिए इसमें 99% और जो पदार्थ है वो घुल जाते हैं। तो विलायक जल आप लोगे, और विलेय के रूप में आप हो सकता है कोई एक पदार्थ मिलाओ, हो सकता है कोई आप दो मिलाओ, जैसे एक्स वाई कुछ भी आप मिला रहे हो विलेय के रूप में, विलेय के रूप में आप जो ऊपर से डालते हो विलायक में, वो विलेय के रूप में, वो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक ही पदार्थ भी हो सकता है, और कई पदार्थ भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं विलेय के रूप में, और आप इसमें मिलाओगे। तो अब मैं ये कह रहा हूं विलायक जो आप ले रहे हो, तो विलायक में जो H2O है उसमें तो लाखों अणु है H2O के, एक विलायक आप ले रहे हो किसी बर्तन में और उसमें आप विलेय मिलाना चाहते हो, तो विलायक में H2O आपने लिया है, तो H2O के तो उस बर्तन में और उस वेसल में लाखों अणु हैं, और लाखों अणु हैं, तो विलायक विलायक में भी याद रखना अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है। मैं आपको धनात्मक वाले की बात कर रहा हूं, इसके संदर्भ में बता रहा हूं, आप इसी के संदर्भ में समझिएगा कि विलायक जो विलायक के अणु है यानी H2O के जो अणु है उन अणुओं में और अंतर आणविक आकर्षण बल लगेगा। फिर जो आपने विलायक लिए हैं, विलायक मान लीजिए आपने 2, 3, 4 कितने भी लिए हैं, तो विलायक सॉरी विलेय, तो विलेय आपने 2, 3, 4, 5 लिए हैं, तो विलेय विलेय जो पदार्थ है उनके अणुओं के उनके कणों के मध्य भी अंतर आणविक आकर्षण बल लगेगा, और वो अंतर आणविक आकर्षण बल याद रखना इन दोनों यानी विलेय और विलायक के और कणों के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल से जब अधिक होता है मान, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनिए कि वे विलयन जिसमें विलायक विलायक
अंतर आणविक आकर्षण बल तथा विलेय विलेय अंतर आणविक आकर्षण बल का मान विलेय विलायक अंतर आणविक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, यानी इनके कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल और फिर इनके कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल और इन दोनों का योग कर लूंगा और वो योग अगर विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल लग रहा है उस आकर्षण बल से वो वैल्यू अधिक होती है तो ऐसे सॉल्यूशन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि विलायक विलायक के कणों के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, फिर विलेय विलेय के कणों के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल और इन दोनों का योग कर दीजिए, यानी विलेय विलेय के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा था वो, फिर आपके विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो, उसका आप योग कर दीजिए और योग करने के बाद में फिर विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को देखिए। अगर उन दोनों का, किसका, विलायक विलायक का और विलेय विलेय का जो अंतर आणविक आकर्षण बल था उसका योग अगर विलेय विलायक के अंतर आणविक आकर्षण बल से अधिक प्राप्त हो रहा है तो वह विलयन धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन कहलाता है। तो थोड़ी सी बात आपने ध्यान में रखना। और धनात्मक विचलन वाले में क्या होगा, जैसे आप देखोगे कि जो P है, आप यानी मैं PA ले लेता हूं, चलो घटक A का आंशिक दाब, उस सॉल्यूशन में जो विलेय पदार्थ आपने मिलाया उस विलेय पदार्थ A का हम आंशिक दाब PA लेते हैं, तो घटक A का आंशिक दाब है वो शुद्ध विलायक के आंशिक दाब और उसमें घटक A के मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन धनात्मक विचलन वालों में ये वैल्यू अधिक होगी, ये वैल्यू इन दो घटकों के गुणनफल से अधिक होगी। किसका, ये आपके विलेय पदार्थ का आंशिक दाब है, विलेय पदार्थ है ए वाला, जो घटक आपने ए मिलाया विलेय के रूप में, घटक ए भी लिया, बी भी लिया होगा या एक्स वाई जेड जो भी लिया होगा विलेय के रूप में, उसका आंशिक दाब, और ये शुद्ध विलायक का आंशिक दाब जो पी ए है वो शुद्ध विलायक का आंशिक दाब, यानी शुद्ध अवस्था में विलायक का आंशिक दाब, और फिर उस सॉल्यूशन में जो घटक ए था उस घटक ए का मोल भिन्न एक्स ए, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी डॉट नॉट ए और घटक ए का मोल भिन्न एक्स ए का जो गुणा है वो गुणा अगर कम हो किससे, शुद्ध विलेय के आंशिक दाब से, तो वो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं। इसी प्रकार घटक बी की बात कर लेता हूं कोमा के बाद, तो घटक बी है ध्यान देना उसका आंशिक दाब, घटक बी का आंशिक दाब अधिक हो किससे, याद रखना जो आपके विलायक यानी विलायक जो लिया है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और घटक बी का आपके मोल भिन्न है उसके गुणनफल से अगर घटक बी का आंशिक दाब का मान अधिक हो तो भी वो अनादर्श विलयन होते हैं। और ध्यान देना आप विलेय को विलायक में मिलाते हो, आप विलेय को विलायक में मिलाते हो और विलेय को विलायक में मिलाने पर अगर उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है ध्यान देना, तो कहने का अर्थ है तब तो वो ऋणात्मक वाला हो जाएगा, अगर उष्मा अंदर की तरफ जा रही है अर्थात उष्मा का अवशोषण हो रहा है विलेय को विलायक में मिलाने पर, अगर उष्मा और विलयन अपनी तरफ खींच रहा है बाह्य वातावरण से उष्मा अपनी तरफ ले रहा है तो ऐसा सॉल्यूशन याद रखना धनात्मक वाला होगा, अर्थात डेल्टा एच की जो मिश्रण की जो वैल्यू है, डेल्टा एच मिश्रण की वैल्यू अगर धनात्मक हो, अगर धनात्मक हो अर्थात उष्मा शोषी हो, आप जानते हो अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान जब धनात्मक होता है तो वहां अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है और उष्मा शोषी होने का अर्थ है कि विलेय और विलायक आपस में क्रिया करके और वातावरण से उष्मा का अपनी तरफ अवशोषण कर रहे हैं। तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय और विलायक को मिलाओगे, मिलाने पर अगर उस सॉल्यूशन की डेल्टा एच धनात्मक प्राप्त होती है तो वह सॉल्यूशन
धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। इसी प्रकार अगर डेल्टा वी क्या होता है, आप विलय और विलायक को जब आपस में मिलाते हो तो दोनों का आयतन, विलय और विलायक को मिलाने पर बन गया विलयन, और विलयन का आयतन याद रखना अगर धनात्मक प्राप्त होता है विलय और विलायक को मिलाने पर, और जो पूरा मिश्रण बन गया और मिश्रण का जो आयतन है वो धनात्मक प्राप्त होता है, तो फिर जो विलयन है वो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। तो ये सामान्य सी बातें आप इसमें ध्यान में रखना। हमारा अगला टॉपिक है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य आरेख। तो वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, किसके लिए, धनात्मक जो विचलन दर्शाते हैं ऐसे अनादर्श विलयन के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस प्रकार से यूं वाई अक्ष पर एक रेखा खींचिए और फिर एक्स अक्ष पर खींचिए और दोबारा वाई अक्ष पर फिर यूं चलिए, इस प्रकार से आप बना दीजिए। अब इस पर यहां तो लिख दीजिए मोल भिन्न, जो एक्स अक्ष है उस पर लिख दीजिए मोल भिन्न, और वाई अक्ष है उस पर लिख दीजिए वाष्प दाब। क्या लिखोगे, वाष्प दाब, ये वाई अक्ष पर वाष्प दाब लिख दिया और एक्स अक्ष पर आपने मोल भिन्न लिख दिया, और दोनों के मध्य हमें ग्राफ बनाना है। तो एक आप बिंदु यहां लगा लीजिए और इस साइड वाले पर, और बिंदु थोड़ा ऊपर की तरफ लगा दीजिए, और फिर क्या करोगे आप, एक तो इस बिंदु को इस बिंदु से डॉट लाइन से मिला दीजिए, फिर आप एक यहां कोने में और इस बिंदु को इस बिंदु से डॉट लाइन से मिला दीजिए, और फिर इस बिंदु को आप इस कोने में और डॉट लाइन से मिला दीजिए। आपने बना दिया। अब यूं कीजिए, बनाने के बाद ये जो आपने यहां से यहां ये बिंदु के बीच डॉट लाइन लगाई है, इसको आप इस प्रकार से और यू मिला दो, इस प्रकार से आप इसको मिला दीजिए, थोड़ा ऊपर उठा करके, ऊपर उठा करके, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा सा ऊपर उठा करके। तो इस वाले पर ये ऊपर से उठा के बना दिया। अब ये जो आपने डॉट लाइन खींची है इसी डॉट लाइन पर ऊपर से उठा के थोड़ा बना दीजिए, जैसे यू बना देंगे ऊपर से उठा करके। और आपने ये जो डॉट लाइन खींची है, डॉट लाइन, इस पर भी थोड़ा सा ऊपर उठा करके और आप बना दीजिए, ऊपर उठा करके यूं आप बना दीजिए, ठीक है ना, आपने बना दिया। अब यहां आप वाष्प दाब वाले में पी नोट ए लिख दीजिए, ठीक है ना, जो वाई अक्ष है पहले वाला उस पर पी नोट ए, और दूसरा जो वाई अक्ष है उस पर आप और यहां पी नोट बी लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां कुल दाब लिख दीजिए, यानी पी बराबर सॉल्यूशन का कुल दाब, सॉल्यूशन का कुल दाब जो उसमें घटक होते हैं उन घटकों के दाब के योग के बराबर होता है। तो विलयन का कुल दाब पी ए प्लस पी बी के योग के बराबर हो जाएगा। और अब आप यहां से और इस पर यूं आ जाइए, यहां पी नोट ए से इस पर यूं आ जाइए इस प्रकार से, तो आप पी नोट ए पर आओगे तो यहां जो है उसके ऊपर पी ए बराबर और पी नोट ए और एक्स ए लिख दीजिए। ये पी नोट ए वाला है तो यहां पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए आएगा। इसी प्रकार आप यहां से ये वाला गहरी जो लाइन है इस गहरी लाइन पर आइए और पी बी नोट वाला है ये जो यहां आकर रुकता है, तो पी बी नोट वाले पर आप पी बी नोट वाला लिख दीजिए। तो यहां लिखूंगा पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और तो क्या बचा इसमें, बस जो पूरे होने थे वो हो गए हैं। एक बात और सुन लीजिए, ये मोल भिन्न है
तो यहां आप पहले एक्स ए बराबर एक कर लीजिए, तो इस सिरे पर आप एक्स ए बराबर जीरो कर दीजिए। सॉल्यूशन में दो घटक हैं ए और बी और दोनों के मोल भिन्न हैं, तो हमने घटक ए का मोल भिन्न एक्स ए यहां शुरुआत एक से कर रहे हैं और यहां जीरो हो जाती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार घटक जो बी है, ध्यान देना जब पहले वाला घटक एक है तो दूसरा घटक जीरो होगा, और यहां पहले वाला घटक जीरो है तो दूसरा घटक है वो एक होगा। क्यों एक क्यों ले रहे, क्योंकि घटकों का योग हमेशा इकाई होता है, जीरो से लेकर के और इकाई पर जाकर बंद हो जाता है घटकों का योग, तो इसलिए जीरो और एक ले रहे हैं। तो आप ध्यान में रखना ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये डायग्राम है। तो वेपर फ्रैक्शन और मोल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो डायग्राम है वो पूछा भी गया है, कह रहा हूं ना इस लेसन से, और आरेख वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये ध्यान में रखना। और अब हम यूं करते हैं कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके एग्जांपल पढ़ते हैं। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, तो एग्जांपल में आप 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कुछ याद रखना, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप एथेनॉल और जल मिला दीजिए, एथेनॉल C2H5OH इसमें जल मिला दीजिए, तो वो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन बनता है। इसी प्रकार आप मेथेनॉल में भी जल मिला दीजिए, पहले आपने एथेनॉल में जल मिलाया, यहां आप मेथेनॉल में जल मिला रहे हो, तो ये भी अनादर्श आपके सॉल्यूशन है, कौन सा धनात्मक विचलन वाला। इसी प्रकार आप ध्यान देना 3 नंबर पे कर लेना, एथेनॉल C2H5OH के साथ एसीटोन कर लेना, एसीटोन को हम कीटोन भी कहते हैं, एसीटोन यानी C2H5OH के साथ CH3COCH3 इसे एसीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसीटोन, और इसे कीटोन भी कहते हैं, तो ये आप कर लेना। और 4 नंबर पर आप एथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ है और आप कार्बन डाई सल्फाइड कर लेना, CS2 कर लेना, एथेनॉल के साथ CS2 आप कर लेना, ये याद रखना। और एक और सुनना, आप कीटोन के साथ भी और ये CS2 कर लेना, कीटोन के साथ भी CS2 जिसे कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, तो एथेनॉल के साथ भी कार्बन डाइसल्फाइड और कीटोन के साथ भी आप कार्बन डाइसल्फाइड कर लेना। और एक लास्ट एग्जांपल में आप मेथेनॉल के साथ CCl4 कर लेना, मेथेनॉल CH3OH के साथ CCl4 कर लेना, ये एग्जांपल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है हालांकि कभी धनात्मक और ऋणात्मक वाले में एग्जांपल ऐसे पूछे तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कोई एक प्रश्न उठा ले। हाँ, आरेख और इन प्रश्नों में बहुत पूछे गए हैं, तो ये आपको थोड़े से ध्यान में